देखिए मॉर्निंग सिकनेस सबसे पहले तो वो ही आता है, उसके बाद आता है ओडर्स। आप ना फूड का स्मेल करते ही आपको वॉमिट आने लगती है, ठीक है? तो ये भी बहुत कॉमनली लेडीज आती है हमारे पास, तो हम कहते हैं आप ना ऐसे स्मेल से दूर हो जाइए अगर आपको ऐसे हो रहा है। हेलो एवरीवन, दिस इज विदुषी एंड यू आर वॉचिंग द गुड हेल्थ शो। और आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के बारे में। प्रेगनेंसी एक बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट होता है एक औरत के लिए। कहते हैं कि एक नई लाइफ मिलती है प्रेगनेंसी के बाद, जब एक बेबी को बर्थ देती है एक औरत। और आज प्रेगनेंसी के बारे में बहुत सी हम बातें करने वाले हैं, और उसी के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर शालिनी। हेलो मैम, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। मैम, प्रेगनेंसी को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं एक औरत के भी और उनके हस्बैंड के माइंड में भी चलती हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कुछ मिथ्स के साथ जो सबके दिमाग में घूमते रहते हैं। तो मैम, पहला जो मिथ हमारे सामने आता है कि जो प्रेग्नेंट वीमेन होती हैं उनको ट्वाइस खाना पड़ता है, बिकॉज वो सिर्फ खुद नहीं खा रही है, बेबी भी खा रहा है। तो इज इट अ मिथ और इट्स अ राइट थिंग? आई वुड से इट इज अ मिथ। ये नहीं है कि आप डबल खाना खाइए। हमारी दादी, हमारी नानी बोलती थी कि अपने लिए भी खाओ, अपने बच्चे के लिए भी खाओ। आप पोषण खाना खाइए, बैलेंस डाइट लीजिए और अच्छा खाइए। हाँ, आप डेफिनेटली डाइट नहीं कर सकते हैं, दैट इज फॉर श्योर। ओके, एंड ऐसा कुछ नहीं कि दो लोगों के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और मैम, ऐसा भी बोलते हैं कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो एक्सरसाइज अवॉइड करनी चाहिए, सो इज इट अ मिथ? दिस इज डेफिनेटली अ मिथ। जितना आप एक्टिव रहोगे, जितना आप जो एक्सरसाइजेस अलाउड हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप वो करोगे, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू टू हैव अ नॉर्मल डिलीवरी एंड अ हेल्दी चाइल्ड। ओके, एंड मैम ऐसा भी बोलते हैं कि स्पाइसी फूड जो होता है वो लेबर पेन में दर्द नहीं करता है, मतलब बहुत हेल्पफुल रहता है, सो ऐसा भी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। स्पाइसी, नॉन स्पाइसी, जो आपको अच्छा लगे, जिसके लिए आपके टेस्ट बड्स बने आप वो खाइए। ओके, एंड मॉर्निंग सिकनेस अगर किसी को होती है तो इट्स लाइक अ हेल्दी प्रेगनेंसी, इज इट? दिस इज ऑल्सो वेरी रॉन्ग। मॉर्निंग सिकनेस, देखिए इट इज़ ऑल वेरी इंडिविजुअल। एक लेडी को मॉर्निंग सिकनेस या नौजिया हो सकता है, वहीं दूसरी लेडी को, प्रेगनेंट वुमन को नहीं हो सकता है। तो अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस हो रही है तो उसके लिए हम कुछ डूज एंड डोंट्स बताते हैं, इफ़ रिक्वायर्ड कुछ मेडिसिन भी देते हैं। अगर नहीं हो रही है, दैट डजेंट मीन यू हैव अ अनहेल्दी प्रेगनेंसी। दिस इज डेफिनेटली अ मिथ। तो मैम, ये कुछ मिथ्स जो अभी बर्स्ट हुए हैं। एंड अगर क्वेश्चंस की बात करें तो मैम, पहला क्वेश्चन यही आता है कि ऐसे कौन से विटामिंस हैं, सप्लीमेंट्स हैं जो प्रेग्नेंट वीमेन को लेने चाहिए? देखिए, कुछ होते हैं एसेंशियल विटामिंस एंड मिनरल्स, जैसे फॉलिक एसिड बहुत मस्ट है, जिससे कि एक नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ दी फीटस होता है। फिर आयरन हम लोग देते हैं, हम लोग कैल्शियम ज़रूर देते हैं, और सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड्स हम लोग प्रोटीन्स देते हैं। ओके, ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। मैम, अगर डाइटरी रिकमेंडेशन की बात करें तो ऐसा कौन सा डाइट है, ऐसा कौन सा खाना है जो एक प्रेग्नेंट वीमेन को हमेशा लेना चाहिए? हमेशा लेना चाहिए, प्रोटीन्स बहुत लेने चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। okay. जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स सही मात्रा में हो, बट प्रोटीन्स मस्ट होते हैं। ओके, और कुछ ऐसे फूड या फ्रूट हैं जो अवॉइड करने चाहिए? अवॉइड डेफिनेटली, आपको पपाया नहीं खाना चाहिए, रॉ पपाया या पका हुआ पपाया दोनों ही नहीं खाने चाहिए, पाइनएप्पल नहीं खाना चाहिए। अजीनोमोटो या जो ये चाइनीज फूड्स हैं, मोमोज हैं, डिमसम्स हैं, ये डेफिनेटली आपको नहीं कंज्यूम करने चाहिए। रॉ फिश हो गया, एनी काइंड ऑफ रॉ मीट या अनकुक्ड मीट या जो पूरी तरह से पका हुआ नहीं है वो नहीं लेना चाहिए। अनपैस्चराइज मिल्क नहीं लेना चाहिए। जो आप दूध लेते हैं वो हमेशा उबाल के या पैस्चराइज्ड होना चाहिए। ओके, सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज काफ़ी बार ऐसा होता है कि नहीं नहीं पपाया भी खाना सिर्फ एक मिथ है कि आपको प्रॉब्लम होगी, उसमें बॉडी फैशंस होते हैं, पपाया इज अ डेफिनेट नो नो। ओके ओके, एंड मैम, हाउ मच वेट गेन इज कंसिडर्ड टू बी हेल्दी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? 9 months में आइडियल वेट गेन इज़ राउंड अबाउट बिटवीन 11 to 15 kgs, जिसमें आप फर्स्ट 3 months में ओनली 1 to 2 kgs गेन करना चाहिए, नेक्स्ट 3 months में 5 to 6, एंड फिर एंड ट्रिमेस्टर में अगेन 5 to 6 kgs ऑफ वेट। और मैम, कुछ ऐसे लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है जिसको सपोर्ट करते हैं वेट गेन को? हाँ जी,
लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आपको वॉक ज़रूर रखना है, आपको एक एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, ये नहीं कि आप बेड रेस्ट पे पड़ गए अनलेस एंड अनटिल इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी और आपके आपके डॉक्टर ने मना किया है कि आप ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकते हैं या ज़्यादा वॉक नहीं कर सकते हैं। ओके और जैसा आपने बोला कि प्रेगनेंसी के दौरान आप एक्सरसाइज और योगा भी कर सकते हैं, जो एक प्रेग्नेंट वुमेन जो कर सकती है, लाइक कुछ इनकी स्पेसिफिक एक्सरसाइज? हाँ जी, हम लोग एंटीनेटल क्लासेस हम लोग के यहाँ भी होती हैं और हर जगह होती हैं, नहीं तो आप यूट्यूब पे जाइए तो आपको दिख जाएंगे कि आप कौन से प्राणायाम करने चाहिए, कौन से योगा पॉस्चर्स करने चाहिए, कौन सी एक्सरसाइजेज या डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज करनी चाहिए विच विल लीड टू अ नॉर्मल डिलीवरी। ओके एंड मैम, ऐसे कौन से कॉमन सिम्टम्स हैं जो एक प्रेग्नेंट वुमेन एक्सपीरियंस करती है? सबसे पहले देखिए मॉर्निंग सिकनेस, सबसे पहले तो वो ही आता है, उसके बाद आता है ओडर्स, आप ना फूड का स्मेल करते ही आपको वॉमिट आने लगती है। ठीक है, तो ये भी बहुत कॉमनली लेडीज आती है हमारे पास, तो हम कहते हैं आप ना ऐसे स्मेल से दूर हो जाइए अगर आपको ऐसे हो रहा है। जनरली जब माइक्रोवेव में गर्म करते हैं, हीट करते हैं, जो वर्किंग वुमेन है तो उन लोगों को बहुत ये कॉमनली देखा गया है। फिर बैक एक इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमन सिम्टम। इसमें क्या होता है कि आपकी वूम या यूट्रस बढ़ती है तो जो बच्चे का वेट है आपके पेट पे आता है और आपकी जो एब्डोमिनल मसल्स हैं वो वीक होती हैं, इससे जो उसका वज़न या भार है आपके स्पाइन पे जाता है, तो इसकी वजह से बैक एक इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्टम एनी प्रेग्नेंट वुमेन वुड कंप्लेन। ओके, थर्ड होता है पीडल एडिमा या स्वेलिंग ऑफ द फीट। उसमें ये होता है कि आपका वज़न बढ़ रहा है तो सारा वज़न आपके पैरों पर जाता है, तो उसके लिए आप ना बीच में आप थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, एक थोड़ा सा फुट रेस्ट रखिए। आप किचन में काम कर रहे हैं या वेजिटेबल्स काट रहे हैं या आपने ऑफिस में डेस्क वर्क कर रहे हैं तो एक फुट रेस्ट रखिए जिसपे आपके जो फीट हैं थोड़े एलिवेटेड रहें। ओके एंड मैम, जैसे अगर किसी को ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है, ऐसा कौन सा सिम्टम है जो नहीं होना चाहिए, एबनॉर्मल है? स्पॉटिंग इज अबनॉर्मल, अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है वजाइनली या स्पॉटिंग हो रही है दैट इज हाईली अबनॉर्मल, कंसल्ट योर डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल। कोई किसी तरह का वजाइनल डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए, वो भी बहुत अबनॉर्मल रहता है। पीडल एडिमा हो रहा है तो आपका ब्लड प्रेशर आप चेक कराते रहिए। जेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है कि प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो गया, पहले तो नहीं था मुझे, तो वो भी आपको स्क्रीनिंग कराते रहनी चाहिए। Okay. अगर आपके बॉडी में इचिंग हो रही है कहीं पे भी, हाथ पे कहीं पे भी इचिंग हो रही है तो आपको लिवर फंक्शन टेस्ट ज़रूर कराने चाहिए। ओके, सो दीज आर एबनॉर्मल्स, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैम, अगर किसी को ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल उनकी हिस्ट्री है या फिर कुछ ऐसा चल रहा है उनके साथ, तो क्या वो इफेक्ट कर सकती है प्रेगनेंसी को?